हेलो दोस्तों, हमारी अगली रेसिपी है लौकी की सब्जी। इसे हम सूखी सब्जी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक लौकी। मैंने इस साइज़ की लौकी ली है। लौकी को हम गोट भी बोलते हैं। ये हमने लौकी को कट कर लिया है छोटे पीसेस में, आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन छोटी बारीक कटी हुई। अगर आप तीखा पसंद करते हैं, मैंने एक मिर्ची हरी मिर्ची ली है। ये मिर्ची थोड़ी तीखी है इसलिए मैंने एक ही ली है। इसमें मैंने हाफ में स्लिट कर लिया है। मेथी के दाने और हल्दी, टर्मरिक एंड प्योर घी। हम इसे प्योर घी में बनाएंगे। मैंने एक चम्मच घी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा घी में नहीं बनाना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मेथी के दाने, हमारी कटी हुई हरी मिर्च और हाफ टी स्पून लहसुन कटी हुई या हमारी डलगी। अब हम इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे। हमारी लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी लौकी और इसे मिला लें। हमने लौकी को मिला लिया है। इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने दें। ये दोस्तों, मैंने इसे 3 मिनट तक फ्राई किया है और हमारी लौकी ने पानी छोड़ दिया है। अगर आप ताज़ी लौकी लेते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। जैसे लौकी ने पानी छोड़ दिया है, अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी। और आप जितनी क्वांटिटी में लौकी को काटते हैं, लौकी बनने के बाद उसकी आधी क्वांटिटी में ही रह जाती है क्योंकि लौकी गलती है। तो आपको नमक इसमें उसी अनुसार डालना है, अपने स्वाद अनुसार। हल्की नमक, मैंने 1/2 टीस्पून नमक इसमें डाला है। अब इसे मिला दें। मैंने इसे मिक्स कर दिया और इसे ढक कर इसकी लिड लगा दें, इसे कवर कर दें और इसे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम हीट पे, देखिए मैंने इसे मीडियम कर दिया है, मीडियम हीट पे, मीडियम फ्लेम पे इसे तब तक पकने दें जब तक लौकी गल ना जाए, क्योंकि लौकी में पानी है। कभी लौकी थोड़ी पानी छोड़ती है, कभी ज़्यादा पानी छोड़ती है। इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर पानी ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, अगर पानी कम है तो लौकी जल्दी गल जाएगी। पानी सूखने में थोड़ा समय लगेगा। मेरी लौकी में पानी थोड़ी सी ज़्यादा, लौकी नहीं छोड़ी, ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बस आप देखिए, 5 मिनट इसे ढककर रख के मीडियम आंच पे लौकी गल जाएगी। 7 मिनट हो गए हैं मेरी लौकी को और मेरी लौकी पक गई है। इसे चेक करने के लिए आप ये लौकी को प्रेस करें। ये देखिए, लौकी मैश हो गई, मतलब लौकी पक गई है। अभी भी इसमें पानी है, आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें फ्लेम को हाई हीट पे करना होगा और इसे ड्राई करके फ्राई करना होगा। हमने फ्लेम को हाई हीट पे कर दिया है। अनदर 3 to 5 मिनट्स इसे फ्राई करके आप ऑफ कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा पानी सूख गया है और हम इसे 1 मिनट और फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमारी लौकी फ्राई हो गई है। अनदर 1 मिनट में और हम इसे ऑफ कर देंगे। हमारी लौकी फ्राई हो चुकी है, फ्राई होने की खुशबू आ रही है।
ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे एवरीडे के खाने में, हर दिन के खाने में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।